केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD नेशनल एकेडमी गाजियाबाद का ये सारा तामझाम उत्सव जैसा माहौल निर्माण श्रमिकों के लिए है, और हो भी क्यों ना। CPWD ने निर्माण उद्योग विकास परिषद यानी CIDC की सहायता से पहली बार विभिन्न विधाओं के निर्माण श्रमिकों के लिए 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए मेगा स्किलिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कैंप का आयोजन किया। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्किलिंग इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में CPWD CIDC की ओर से आहुति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम बनाया है, उसके तहत हम लोगों ने CIDC के साथ एक MOU साइन किया हुआ है, और पूरे देश में हम लोग जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। और सोशल कॉज की तरह हमने सोचा है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो 20% जो वर्कर्स होते हैं वो स्किल कैटेगरी के तो कंपलसरी हैं, लेकिन उसके अलावा करीब 30% वर्कर्स को हम लोग अपने खर्चे से उनको ट्रेनिंग देंगे। इस मेगा स्किलिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कैंप ने NCR के निर्माण श्रमिकों में एक नई ऊर्जा भर दी। आमतौर पर अधिकांश निर्माण श्रमिक समाज के कमजोर तबके से आते हैं और प्रायः औपचारिक शिक्षा की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मैं यहाँ आया, यहाँ कैंप लगा हुआ था और यहाँ मैं इंटरव्यू लिया, अपना फार्म भरा है, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मुझसे मेरे क्वेश्चन पूछे गए इलेक्शन के, कि मैं क्या वर्क करता हूँ और जो हमारे कार्य के बारे में, कि सेफ्टी कैसे होनी चाहिए हमारे इलेक्ट्रिशियन की, और क्या हमें करना चाहिए, कौन सी तार हमें यूज करनी चाहिए, या करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरे को अनुभव तो काफ़ी है, लेकिन मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कैंप में। तो मेरे को उम्मीद है कि मेरे को यहाँ से प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस मेगा टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कैंप ने केवल उनके आत्मबल को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उनका गौरव भी बढ़ाया। आगे आने वाले समय में ये प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, इससे उनको एम्प्लॉयमेंट में, उनको रोजगार में सहायता मिलेगी, और जो उनको रोजगार देने वाले हैं उनको भी उनके बारे में एक मानकीकृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। CPWD भारत सरकार की सर्वोच्च निर्माण एजेंसी है। उसके काम करने के तौर तरीकों का अनुसरण केवल सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियां भी करती हैं। निर्माण कर्मियों के पूर्व ज्ञान के परीक्षण और प्रमाणीकरण के कार्य को CPWD ने अपने निविदा अनुबंध में भी शामिल किया है। इसमें अहम रोल जो है CIDC का है। हमारे जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज 19K है, जिसके तहत हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 20% जो है कुशल कारीगर एम्प्लॉय होने हैं। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी अच्छा है, उनके ओर से भी समाज सेवा का ही काम होगा। CPWD देश भर में इस तरह के कई मेगा स्किलिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कैंप आयोजित करेगी। गाजियाबाद का ये कैंप इस श्रृंखला में पहला है। शिविर का उद्घाटन श्री प्रभाकर सिंह, महानिदेशक CPWD ने किया। उन्होंने शिविर में आए निर्माण श्रमिकों से कहा कि वो कड़ी मेहनत से नए कौशल सीखें और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर का लाभ। ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों का कौशल विकास कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में हम जो कर रहे हैं उसके मैसेज हमारे पास आ रहे हैं और लोग बहुत ही उत्साहित हैं। तो ये हमारा जीवन है, जीवन की कर्म भूमि है, इसमें हमें हमेशा सीखते रहना पड़ता है। हम स्टूडेंट की तरह पूरे लाइफ में जीते हैं, ये नहीं कि हमने एक सीख लिया तो यहाँ पे काम खत्म हो गया ना, उसके आगे हमें बढ़ना है और जीवन के अंत तक हमें, तभी जीवन हमारा सार्थक है। CIDC के महानिदेशक डॉक्टर PR स्वरूप ने सभी वरिष्ठ कामगारों से आग्रह किया कि वो प्रशिक्षक और गुरु बनकर वर्तमान कार्यबल के साथ अपने ज्ञान को साझा करें। इनमें से जो वृद्ध कारीगर हैं, जिनकी शारीरिक क्षमता अब नहीं है काम करने की, लेकिन वो पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं लोगों को कि कैसे अच्छा काम किया जाए,
उनको प्रमाणीकरण करके शिक्षक का भी दर्जा दिया जाए ताकि वो आगे आने वाली नस्लों को तैयार करें। इस मेगा टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कैंप में सीआईडीसी की 18 परीक्षण टीमों ने लगभग 1000 निर्माण श्रमिकों के कौशल का परीक्षण किया। इस कैंप की सफलता से उत्साहित होकर सीपीडब्ल्यूडी और सीआईडीसी ने लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई और मुंबई में भी इस तरह के कैंप लगाने की योजना बनाई है।